सब्सक्राइब कीजिए शविस्ता खान को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शविस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में आपको बताऊंगी कि गार्लिक को 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके किस तरह से रखा जाता है। तो उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम मैंने ये गार्लिक ले लिया है। इसको मैंने छील कर और देखिए रख लिया है। छीलने का तरीका मैंने बहुत ही आसानी से बताया हुआ है, वो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको देखकर और बहुत ही इजी तरीके से गार्लिक को छील सकते हैं। तो देखिए मैंने ये गार्लिक रख लिया है। अब इसके लिए मैं लेती हूँ एक ये ट्रे, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्रे ले ली है और इसके ऊपर ये इस तरह से गार्लिक को फैला लेंगे। ये डालता इस तरह से मैंने गार्लिक फैला लेती हूँ इस पर। देखिए गार्लिक को मैंने फैला लिया है। अब इसको मैं फ्रीजर के अंदर 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये हमारी जो गार्लिक है स्टोर हो सके। बहुत ही इजी तरीके से ये गार्लिक स्टोर कर सकते हैं आप। देखिए 1 घंटा हो चुका है, इसको हमने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। ये एकदम स्टोर करने के लिए एकदम से रेडी है। अब इसको हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ये देखिए हमने कंटेनर ले लिया है, अब इसमें हम स्टोर करके इसको रखेंगे। तो इसमें हम गार्लिक को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए हमने सारे गार्लिक को इस कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे और इसको वापस फ्रीजर के अंदर रख देंगे ताकि हमारा गार्लिक जो है अच्छे से 6 से 7 महीने के लिए स्टोर हो जाए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।